हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे कि हाइगन का जो तरंग सिद्धांत होता है वो क्या होता है, और उससे पहले हम समझेंगे कि जो तरंग सिद्धांत था उससे पहले क्या सिद्धांत प्रचलित था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश होता है उसकी द्वैतीय प्रकृति होती है, और द्वैतीय प्रकृति में प्रकाश को कण और प्रकाश को तरंग दोनों माना गया है। तो सबसे पहले प्रकाश को कण कैसे माना गया था, तो इसको सबसे पहले 1676 में न्यूटन ने प्रकाश को कणों के रूप में व्याख्या की थी। इसके बारे में बताया था कि जो प्रकाश होते हैं वो कण होते हैं, और ये जो कण होते हैं यही एक छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं, जिसे बाद में क्वांटा माना गया था। तो सबसे पहले जो प्रकाश का कण सिद्धांत था उसे न्यूटन ने दिया था। उस समय न्यूटन का प्रभाव था, वो जो बोल देते थे उसे माना जाता था। तो सबसे पहले प्रकाश को कणों के रूप में माना गया, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी जिनको प्रकाश के कण सिद्धांत के द्वारा समझाया जाना मुश्किल था, इसलिए प्रकाश को तरंगों के रूप में मानना जरूरी हो गया। और इसके लिए हाइगन ने एक सिद्धांत दिया जिसे प्रकाश का तरंगिका सिद्धांत कहा जाता है, या हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या बोलता है? हाइगन का तरंग सिद्धांत यह कहता था जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है, मतलब जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में ही रहता है। और दूसरा, ये जो तरंगें होती हैं ये अनुप्रस्थ होती हैं। शुरू शुरू में इसे अनुदैर्ध्य माना गया था, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी जो ध्रुवण थी उसे व्याख्या करने के लिए इसे अनुप्रस्थ माना गया। तो ये जो तरंगें थी ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और तथा सभी दिशाओं में ये प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। तीसरा, इन्होंने ये बताया कि इन तरंगों के गमन के लिए एक सर्वव्याप्त जो माध्यम माना गया उसे ईथर माना गया, क्योंकि ईथर जो होता है उसका घनत्व काफ़ी कम होता है और वो सर्वव्याप्त माना गया था, पूरे यूनिवर्स में उसे व्याप्त माना गया था, और यह एक समांगी माध्यम होता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था उसे हाइगन ने दिया था, जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम हाइगन का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम तरंगाग्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि तरंगाग्र ही जो था वही हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत का बेस बना। तो तरंगाग्र क्या होता है? तो तरंगाग्र के बारे में हम जानते हैं कि जब किसी जल में किसी पत्थर को मारा जाता है या किसी कण को फेंका जाता है, तो हम देखते हैं उसके चारों ओर गोल गोल जो होती हैं तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो गोल तरंगें आपको दिखाई दे रही वही क्या होती है? तरंगाग्र होती है, जहाँ पे जल या तो उठा हुआ होता है या दबा हुआ होता है। तो किसी एक जगह, या तो आप उठा हुआ मान लीजिए या उसे दबा हुआ मान लीजिए, तो किसी भी माध्यम में समान कला में कंपन कर रही तरंगों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, तो या तो तरंगे जो मैंने आपको बताया कि अगर पत्थर को किसी जल के अंदर डुबो जाता है या फेंका जाता है, तो जो तरंगे उत्पन्न होती तो या तो श्रृंग होंगी या तो गर्त होंगी, थ्रो या क्रेस्ट होती हैं। तो या तो थ्रो या फिर क्रेस्ट हम मान लें, तो वो सभी थ्रो या सभी क्रेस्ट को मिलाने वाली जो पर्टिकुलर लाइन होती है, जो रेखा होती है, वह रेखा ही क्या होती है? तरंगाग्र कहलाती है। अब यहाँ पर जो केंद्र था, जो स्रोत था, वो बिंदु था, क्योंकि एक पत्थर हमने मारा था तो वो एक बिंदु स्रोत था। तो यहाँ बिंदु स्रोत होने के कारण जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। लेकिन अगर प्रकाश अनंत से आ रहा है या तरंगे अनंत से आ रही हैं, तो सभी लगभग क्या होती है? एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में होता है। सूर्य का प्रकाश अगर अनंत से आता है तो वहाँ पर सभी तरंगे क्या होती हैं? समान कला में कंपन करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो समान कला में कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो तरंगे होंगी, जो या तो गर्त को मिलाएंगी या फिर श्रृंग को मिलाएंगी या फिर गर्त को मिलाएंगी, सभी क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी, एक प्लेन में होंगी। तो ये एक समतल में स्थित होती हैं, तो ये इन्हें क्या बोलते हैं? ये समतल तरंगाग्र इनको कहा जाता है। और यदि स्रोत बेलनाकार है, जैसे कि ट्यूबलाइट होता है, अगर ट्यूबलाइट जैसे अगर कोई स्रोत है जो बेलनाकार होता है, तो उससे जो तरंगे निकलती हैं वो तरंगे क्या होती हैं? बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण करती हैं, क्योंकि उनके चारों ओर जो तरंगे होंगी, जो प्रकाश तरंगे होंगी, वो गोलीय स्थिति में होंगी, और सभी का जो कंपन होगा वो उस केंद्र से या उस बेलन से समान दूरी पर समान होगा, चारों तरफ होगा, तो एक गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। और ये जो तरंगाग्र ही था, यह तरंगाग्र ही जो अपना जो हाइगन का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत था उसका बेस बना। अब इसमें क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हाइगन का जो द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत था वो ये था कि माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं वो तरंगाग्र कहलाता है। मतलब जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि माध्यम में अगर किसी माध्यम में कोई तरंग कंपन कर रही है, तो कंपन में समान कला में सभी तरंग जो होते, या तो श्रृंग होगा या फिर गर्त होगा या फिर सभी जो तरंगे होंगी
वो चूंकि अनुप्रस्थ होती हैं तो सभी तरंगे श्रृंग और गर्त का निर्माण करेंगे, तो या तो सारे श्रृंग या फिर सारे गर्त के जो स्थान होंगे वो क्या होंगे, तरंगाग्र कहलाएंगे। अब ये जो तरंगाग्र होते हैं, तरंगाग्र के तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक जो पॉइंट होता है, जैसे कि मैं मान लूं कि यहाँ पर ये तरंग आगे ऐसे बढ़ रही है, ये तरंग क्या हो रही है ऐसे आगे बढ़ रही है, तो या तो ये या फिर ये तरंगाग्र का एक निश्चित क्या होगा, पॉइंट होगा। इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर जो कण होगा वो द्वितीयक तरंगिकाओं को क्या करता है, उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये कि इस पर ये जो पॉइंट पर ये जो कण होगा या वो क्या करेगा, ये जो वी वेग से, मान लीजिए कि वी वेग से तरंग गमन कर रही है और टी समय में कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करेगी, तो VT को त्रिज्या मान को, क्योंकि हम जाते हैं डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, दूरी बराबर वेग गुणित समय होता है, और तरंग का अगर हम वेग V माने और मान लें कि वो T समय में कुछ दूरी तय करती है तो कितनी दूरी तय करेगी, तो वो D जो होगा वो VT होगा। तो इस VT को अगर त्रिज्या मानकर हम एक नए कण का या एक नए पॉइंट का निर्माण करें, एक गोले का निर्माण करें, तो हमने मान लिया कि ये VT त्रिज्या है और यहाँ पर हमने एक नए गोले का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो इस गोले पर अगला ये जो पॉइंट होगा या तो श्रृंग होगा या फिर गर्त होगा, अगर यहाँ पे गर्त होगा तो ये श्रृंग होगा, ये श्रृंग होगा तो ये गर्त होगा, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये वापस वीटी त्रिज्या पर क्या करेगा, एक नए पॉइंट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, एक नए पॉइंट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब वापस वीटी त्रिज्या पर एक नए पुनः एक नए गोले का क्या होगा, निर्माण होगा, और यहाँ पर वापस एक नया क्या करेगा, पॉइंट बन जाएगा, और ये जो तरंग है वापस वीटी दूरी पर एक नए, और इस प्रकार से जो तरंगे होती हैं वो इस तरंग या तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण जो होता है एक नई तरंगिका को जन्म देते चला जाता है और ये आगे इस प्रकार से बढ़ती रहती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था यही उन्होंने हाइगन ने बताया है, द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती हैं वही क्या होती हैं, माध्यम में आगे बढ़ने का कारण होती है तरंगों के, कि माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर जो कण होता है वो द्वितीयक तरंगिकाओं को क्या करता है, जन्म देता है या एक नए विक्षोभ को उत्पन्न करता है, और यह नया विक्षोभ ही क्या करता है, वापस पुनः नए तरंगिकाओं को क्या करता है, उसका फॉर्मेशन करता है, और इसे ही द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहा गया है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हाइगन ने अपने समतल सतह से परावर्तन किस प्रकार से होता है, समतल सतह से अपवर्तन किस प्रकार होता है, मतलब अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही नियमों को उन्होंने सिद्ध किया था और इसे एक मान्यता प्राप्त हुई। उस जो भी इन्होंने समतल तरंगों का जो परावर्तन और जो अपवर्तन था जिसको समझा था, इसको हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके दोस्तों को और आपके फ्रेंड्स को, आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप के जो भी मेम्बर्स होंगे उनको फ़ायदा होगा, और इस वीडियो को उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और शेयर करते रहिए।